नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। गुरु का गोचर सभी 12 राशि वालों को बड़ा असर डालेगा। गुरु सौभाग्य सुख देते हैं। कुंडली में गुरु शुभ हो तो जातक को हर काम में सफलता मिलती है। उसकी किस्मत बहुत तेज होती है। उसे जीवन में सारे सुख मिलते हैं। उसका वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। वहीं अशुभ गुरु विवाह में बाधाएं डालता है, दुर्भाग्य और दुख देता है। गुरु एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं। साल 2023 में गुरु ने 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश किया था। गुरु 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। इसका सभी 12 राशि वालों पर असर होगा। वहीं 5 राशि वालों को बहुत लाभ होगा। आइए जानते हैं कि अगले 11 महीनों तक किन राशि वालों पर किस्मत मेहरबान रहेगी। इसके बाद है मेष राशि। मेष राशि गुरु मेष राशि में ही है और अगले साल तक इन जातकों को खूब लाभ देने वाले हैं। माता पिता और का आशीर्वाद मिलेगा और मदद से हर काम में सफलता मिलेगी। बाधाएं दूर होगी। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। भाई बहनों के साथ भी रिश्ता मजबूत होगा। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा। सिंह राशि गुरु का गोचर सिंह राशि वालों को काम में सफलता दिलाएगा। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। करियर में कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यापार बढ़ेगा। उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बनेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों को गुरु का राशि परिवर्तन आर्थिक लाभ कराएगा। कहीं से पैसा मिलेगा। करियर में तरक्की मिलेगी। कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। तुला राशि गुरु का गोचर तुला राशि वालों को धन लाभ देगा। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान को उन्नति मिलेगी। आपके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। नई संपत्ति वाहन आदि खरीद सकते हैं। नौकरी व्यापार के लिए लाभकारी समय है। मीन राशि वालों को गुरु का राशि परिवर्तन आपका निर्णय क्षमता बेहतर करेगा, जिससे आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। जिस काम के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वो काम पूरा होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से मदद मिलेगी। रिश्तेदारों से विवाद खत्म होगा। संपत्ति मिल सकती है। किसी टूर पर भी जा सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।